नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मोदी मंत्रिमंडल के संभावित नाम सामने आ गए हैं। यूपी से 6 मंत्री बनाए जा सकते हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। राजनाथ सिंह का मंत्री बनना तय है, सूत्र ये भी बता रहे हैं। जयंत चौधरी बन सकते हैं मंत्री, अनुप्रिया पटेल को फिर से मिल सकता है मौका। जितिन प्रसाद और दिनेश शर्मा का नाम भी सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है। हरदोई से सांसद जयप्रकाश रावत को भी जगह मिल सकती है। ये संभावित नाम है जो फिलहाल सोर्सेस के हवाले से सामने आए। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, मोदी मंत्रिमंडल में यूपी से 6 मंत्री शामिल हो सकते हैं। राजनाथ सिंह का फिर से मंत्री बनना तय है। फिलहाल उनके पास रक्षा मंत्रालय है, तो देखना होगा कि क्या वो अपने मंत्रालय को रिपीट करते हैं या कोई बदलाव होता है, लेकिन उनका मंत्री बनना फिलहाल तय माना जा रहा है। इसके अलावा जयंत चौधरी, आरएलडी से 2 सांसद इस बार जीत कर आए हैं, तो ये संभावना जताई जा रही है कि जयंत चौधरी भी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। और सूत्र भी इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जयंत इस मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। अनुप्रिया पटेल, जो कि इससे पहले भी मोदी सरकार 2.0 में मंत्री रही हैं, उनको एक बार फिर से मौका मिल सकता है, वो भी मंत्री बन सकती हैं। जितिन प्रसाद नवनिर्वाचित सांसद हैं, उनको मौका मिल सकता है। दिनेश शर्मा राज्यसभा के सांसद हैं, उनको भी मौका मिल सकता है। हरदोई से सांसद जयप्रकाश रावत को भी शामिल किया जा सकता है। यूपी के अलावा मोदी मंत्रिमंडल में एनडीए के सहयोगी दलों के संभावित चेहरों के नाम भी सामने आ गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आंध्र प्रदेश से राम मोहन नायडू को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। कर्नाटक से जेडीएस के कुमार स्वामी को मंत्री पद दिया जा सकता है। यूपी से अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा बिहार से ललन सिंह, चिराग पासवान, संजय कुमार झा, रामनाथ ठाकुर, सुनील कुमार, कौशलेंद्र कुमार और जीतन राम मांझी का नाम भी शामिल है, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र से प्रताप राव जाधव या फिर श्रीरंग बरने को कैबिनेट मंत्री का पद दिया जा सकता है। इसके अलावा धैर्यशील शंभाजी राव माने या फिर नरेश महस्के को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। इनके नामों को लेकर भी चर्चा चल रही है। और मोदी सरकार के शपथ ग्रहण का निमंत्रण पत्र सामने आ गया है। जिन लोगों को शपथ ग्रहण समारोह के लिए बुलाया गया है, उन्हें निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। निमंत्रण पत्र की पहली झलक न्यूज 18 पर आप देख पाएंगे, जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। यही वो निमंत्रण पत्र है जिसके जरिए तमाम मेहमानों को बुलाया जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। न्यूज 18 पर ये निमंत्रण पत्र आप देख पा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए इसी के जरिए खास मेहमानों को आमंत्रित किया जा रहा है। दिव्य और भव्य पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं, जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं शपथ ग्रहण समारोह की। और इसी क्रम में वो लेटर भी सामने आ गया है, वो पत्र भी सामने आ गया है, जिसके जरिए इन्वाइट किया जा रहा है खास मेहमानों को इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए। 9 जून 2024 को शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण समारोह होना है और इसी पत्र के जरिए तमाम खास मेहमानों को आमंत्रित किया जा रहा है। शपथ ग्रहण से पहले विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है और इसी क्रम में बांग्लादेश की शेख हसीना भी पहुंच चुकी हैं दिल्ली कल शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री शेख हसीना। इसके अलावा पड़ोसी देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्षों को भी इस खास मौके पर आमंत्रित किया गया है। बारी बारी से विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, इसके अलावा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोपगे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ये विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी साझा की गई।
तो कल नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमानों के साथ ही श्रमजीवियों को भी आमंत्रित किया गया है। सेंट्रल विस्टा से जुड़े हुए मजदूर उत्तराखंड के रैट माइनर्स को भी आमंत्रण दिया गया है। इसके साथ ही स्वच्छता कार्यकर्ता और लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया गया है। एक बड़ी खबर की बात करते हैं। कल मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर डिनर का आयोजन भी होगा। डिनर में बीजेपी के सभी सांसद, पार्टी के पदाधिकारी और बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर डिनर का आयोजन किया जाएगा। इस डिनर में बीजेपी के सभी सांसद, पार्टी के पदाधिकारी और बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कल पीएम मोदी तीसरी बार मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे, जिसके लिए नई दिल्ली जिले को नो फ्लाई जोन भी घोषित किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जा रहा है। देखिए कर्तव्य पथ से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। 9 जून की तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि उस दिन लगातार ये तीसरी बार ये प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि जिस तरह से प्रधानमंत्री पद के लिए जिस तरह से पिछले काफी समय से तमाम अपने घटक जो एनडीए के जो घटक दल हैं उनसे लगातार बातचीत चल रही थी और तमाम जो कहा जा सकता है कि उसकी तैयारियां हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जब शामिल हो गए तो उससे पहले राष्ट्रपति भवन के आसपास यहाँ पे देखा जा सकता है सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ाया गया है। और इस वक्त में मैं जो संसद भवन के आसपास का जो इलाका है, जो कर्तव्य पथ का इलाका है, वह इस इलाके में है। और इस इलाके में अगर बात की जाए तो यहाँ पर अतिरिक्त जवानों को तैनात किया जा रहा है। ये जो इलाका है, पूरा नई दिल्ली का जो इलाका है, इसे नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। यानी कि इस इलाके में बिना इजाजत कोई ना फ्लाई कोई कर सकता है, ना ही कोई ड्रोन उड़ा सकता है, ना ही किसी भी तरह का संदिग्ध गतिविधियां इस इलाके में कर सकता है। इसके साथ ही इस नई दिल्ली रेंज में कई जो होटल्स हैं, जो बड़े बड़े होटल्स हैं, उस होटल्स में भी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर काफी चाक चौबंद किया गया है, क्योंकि कई जो विदेश से आ रहे हैं जो मेहमान हैं, इसके साथ साथ जो तमाम जो सांसद हैं उनको अलग अलग होटल में ठहराया गया है, तो उस होटल के अंदर और होटल के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ जो नई दिल्ली इलाके में चाहे बात करें दिल्ली पुलिस की, बात करें पैरामिलिट्री फोर्सेस की, बात करें या अन्य एजेंसियों की बात करें, तो वहां पर उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि इस इलाके में कोई भी संदिग्ध अगर कार्रवाई होती है तो तत्काल उस मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, सुरक्षा व्यवस्था और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। सीडब्ल्यूसी में राहुल गांधी पर प्रस्ताव पास हो गया है। लोकसभा में नेता विपक्ष बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। सर्वसम्मति से प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। शाम को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होने वाली है और उससे पहले ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा गया, प्रस्ताव पास हो गया है। लोकसभा में नेता विपक्ष बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। सर्वसम्मति से सभी ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है। शाम को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी, उसमें भी इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। बिल्कुल बनना चाहिए। वो निडर हैं, साहसी हैं, आंख में आंख मिलाकर बात कर सकते हैं, पढ़ते हैं मुद्दे, उनकी जानकारी रहता है। यह हमारी वर्किंग कमेटी का सर्वसम्मत से अनुरोध था। यूपी ने शानदार प्रदर्शन इंडिया एयरलाइंस को दिया है, अब यूपी से आते हैं, यूपी को लेकर क्या चर्चा होगी? मैं उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सही निर्णय लिया और एक ऐसी सरकार के खिलाफ मतदान किया जो तानाशाह। इस मीटिंग की और खास बातें क्या रही? कुछ राज्यों में हमने जनता को धन्यवाद दिया है, आगे चुनाव की तैयारी के लिए पूरी ताकत से जुटे रहने का संकल्प। राहुल जी जिम्मेदारी लेंगे विपक्ष के नेता के तौर? हमारा अनुरोध है, हमें स्वीकार करना चाहिए। पर ये सभी का ये भावनाएं थी कि वो विपक्ष की भूमिका में नेता प्रतिपक्ष बने, आम जनता की आवाज़, आम लोगों की जो आवाज़ है वो महंगाई, बेरोजगारी जो आज पूरी तरीके से परेशान है, नौजवान, हमारा अग्निवीर, हर चीज़ को उठाए, जिस पे राहुल गांधी जी को जब सर्वसम्मत से प्रस्ताव किया गया, मुझे लगता है कि उनको स्वीकार करें। सर्वसहमति से पूरी सीडब्ल्यूसी में भी इस पर चर्चा हुई और मुझे लगता है कि आज शाम को
जो पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक है उसमें निर्णय लिया जाएगा। राहुल जी हाउस के अंदर में एलओपी रहें या ना रहें, लेकिन पिछले 10 वर्षों से देश की जनता के एक अपोजिशन के लीडर के रूप में वो अपनी भूमिका भलीभांति निभा रहे हैं, जहां पर हर मुद्दे को लेकर मोदी जी के आंखों में आंखें डालकर वो प्रश्न पूछते रहे अंदर भी और बाहर। सर आपका नाम अविनाश है, लेकिन आपने यूपी में बीजेपी जो विजय रथ पर थी एक तरीके से उसका विनाश कर दिया, कौन से अहम फैक्टर रहे सर जिसने मोदी योगी जोड़ी जो अपराजय कही जाती थी उसको आपने ध्वस्त कर दिया? सबसे पहली बात तो यूपी की जनता का विश्वास, पूरे संगठन का और हमारे गठबंधन का एक टीम वर्क, और सबसे बड़ी चीज है कि माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका जी का नेतृत्व, और उनने जो एक प्रकार से हमें प्रेरित किया कि संघर्ष में बिना किसी चिंता किए बिना किसी डर के हम सब कूदे, और इसमें आप जानते हैं कि जनता ने राहुल जी पर, गठबंधन पर, माननीय प्रियंका जी पर विश्वास किया और आशीर्वाद दिया, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी। सर सीडब्ल्यूसी में समीक्षा भी हुई, आकलन भी हुआ, उत्तर प्रदेश को लेकर सोनिया जी या खड़गे जी ने प्रोत्साहन दिया, क्या बोला सर? मैं बहुत खुश हूँ कि एक बहुत संतोषजनक सभी लोगों ने तारीफ की, और वहाँ पे जो टीम वर्क हुआ उसके बारे में उन्होंने अप्रिशिएट किया, लेकिन हम यहाँ पर संतुष्ट नहीं हैं, हमें अब आगे 2027 को लक्ष्य रखते हुए इसी मजबूती के साथ, इसी अच्छे टीम वर्क के साथ आगे बढ़ना है।